हाय लव यू, आ जाओ ना सब लोग, फटाक से अपन स्टार्ट कर दे। हाउ आर यू ऑल? रिवाइज किया? रिवाइज किया तुम लोग ने? एक भी बार देखा? एक बार मैं एकदम मस्त हूँ। रिवाइज किया तुम लोग ने? रिविजन किया? क्वेश्चन देता हूँ, थोड़े बहुत बेस लेवल क्वेश्चन आज करेंगे थोड़े, और फिर अपन धीरे धीरे अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन योर रिफ्लेक्शन। मेरा वीडियो ऑफ है क्या? सो हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन आज हम देखेंगे और वो क्वेश्चन के हिसाब से विल वर्कआउट। ओके, सो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। रिविजन का जरूरत नहीं है ना, देखा है ना तुम लोग? फॉर्मूला एक बार देख लो, क्या करते कैसे करते हैं वो एक बार देख लो। नहीं 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 हिमांशु, सो यस थैंक यू अश्वथ। सो अपन फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपन वर्कआउट करते हैं, ठीक है? सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे अपना प्रीवियस मेथड था। प्रीवियस मेथड क्या था अपना, के लास्ट एक्चुअली एब्सेंट था क्या? नहीं नहीं टी आई आर, मैंने प्रिज्म पढ़ाया, मैंने प्रिज्म पढ़ाया लास्ट लास्ट सेशन में थे ना सब लोग। प्रिज्म खत्म कर दिया मैंने, तीन फॉर्मूला सिखाया था प्रिज्म का, राइट? हाँ वही प्रिज्म अपना खत्म हो गया। सो उसके हिसाब से अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देखना, और सिर्फ प्रिज्म के नहीं अलग अलग हम लोग करेंगे। यस कोमल, आई नो। चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक एक करके तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन मैं देता हूँ, लोग सॉल्व करो और फिर उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। यू आर इन देयर इन कौन, यू आर एब्सेंट और व्हाट? एब्सेंट है क्या? ओ अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है क्या? नो इश्यूज, टेंशन मत लो, वो अपन कुछ वर्कआउट का कर लेंगे, आज का बीच में है। नो इश्यूज नो इश्यूज, देखा रिकॉर्डिंग, ठीक है चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ वो करो। यस नो नॉट टुडे, अभी तक वो सिखाया ही नहीं है मैंने। चलो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। क्वेश्चन दे रहे हो ये वाला सॉल्व करके दो, तीन पेजेस कोमल। You have four points of prism. ऐसा क्या? ऋषिकेश क्या बोल रहे हैं? Incident on the surface of water at an angle of incidence of 70 degree. The ray is deviated through 25 degree towards the normal, ठीक है? When it enters the water, calculate refractive index of water, ठीक है? ऐसा क्या मंदर, क्या पता? दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है कोई नहीं, कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया, क्या पता। फटक फटक से अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो भी अपन फटक से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो इसमें क्या क्या दिया है, जिसने से किया है नॉट एन इशू, जिसने नहीं किया है नॉट एन इशू, कर लो अभी, ठीक है? 2 मिनट लगेगा, फटक से सॉल्व कर लो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया है कि इसमें रे ऑफ लाइट हम लोग ने बात किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हम लोग ने 70 डिग्री हम लोग ने बोला है, डेल्टा कितना दिया है तुम लोग को 25 डिग्री बोला है, और तुम लोग को ढूंढना क्या है इसके अंदर, तो ढूंढना है म्यू, राइट? सो इजीली यू कैन फाइंड म्यू, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, वो अपन ने ये किया था ना उस टाइम पे, क्या बोलता है, मिराज मिराज एग्जाम्पल फॉर यू। सो इधर आर क्या ले सकते हैं हम लोग, आई माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 25, दैट इज समथिंग बट 45। फिर इसमें डाल दो म्यू इज समथिंग बट इक्वल्स टू साइन है,
अपॉन साइन आर, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 70 अपॉन साइन ऑफ 45। तो ये तुम लोग ने शायद मुझे कैलकुलेट करके दिया रहेगा। नहीं ऋषिकेश, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रिज्म सिखाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सो आज वो एक्चुअली उसके भी क्वेश्चंस करने थे। कोई बात नहीं, अपन अलग अलग चीज़ें अपन देख लेंगे, आगे का थोड़ा बात अपन कर लेंगे। मिराज के बाद और एक लेक्चर में मैंने लिया था, वो हुआ था, ठीक है, हुआ है ना, ठीक है। दूसरा हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन किया था? ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं किया रहेगा, ये एक्चुअली मुझे आज यही डिस्कस करना था, ठीक है। मैं जिसके उसको नहीं जम रहा है ना, मैं एज ऑफ नाउ फॉर्मूला दे देता हूँ, या फिर अपन एक काम करते, सुनो एक काम करते, सुनो साइन 70 लॉग बुक से, और कैसा है, साइन ऑफ 7 नेचुरल साइन में जाके मोहम्मद, वो उधर जाके नेचुरल साइन के टेबल में जाके देख लेने का, साइन 70 बस उधर से ही वो मिल जाता है। सुनो सुनो, एक काम करते हैं आज, अपन ना आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं, और जिसका वो मिस आउट हुआ है ना, सी मैनी मैनी ऑफ यू, इसमें से काफ़ी लोगों का कुछ मिस आउट हो गया है, मेरा एक लास्ट सेशन मिस आउट हुआ है, ठीक है। सो उसमें से एक आता है लॉग बुक आता है, जिसमें लॉग एंटी लॉग हम लोग करते हैं, लॉग एंटी लॉग, साइन कोसाइन, इनवर्स, ये सब करते हैं। यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये अपन न्यूमेरिकल्स है ना, अभी एज ऑफ नाउ अपन नहीं करते, क्योंकि कैसा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो एक काम करते हैं, अपन आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं, विच इज़ नॉट लिंक्ड टू योर प्रीवियस थिंग्स, ठीक है। सो प्रिज्म वगैरह से जो लिंक्ड नहीं है, और वो अपन दूसरा कॉन्सेप्ट ही वैसे उठाते हैं, सो दैट वी ऑल विल बी ऑन वन वन पेज। स्क्रीनशॉट तो मैं भेज दूंगा ना ये बेटा, ठीक है। सो वैसे अपन काम करते हैं, अपन पावर वगैरह कर देते हैं आज। हाँ अश्वथ, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, या फिर वो वीडियो तो मेरा शायद यूट्यूब पे आ ही गया है, तो मैं एक बार फिर भी बात कर लेता हूँ। हाँ तो क्या सब लोग एक पेज पे आ जाएंगे? सिर्फ एक प्रिज्म का मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जिसके लिए तुम्हें फार्मूला लगेगा। सो वो मैं तुम्हें फार्मूला दे, एक जो भी फार्मूला लगेगा, आई टेल यू दैट फार्मूला, ओके। सो हम लोग डिस्पर्शन कर लेते हैं एक बार, डिस्पर्शन वगैरह आगे का कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं, और प्रिज्म का जो न्यूमेरिकल्स है तो अपन वो उसके बाद अपन देख लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने लास्ट टाइम देखा कि प्रिज्म है, ऑल ऑफ यू विद मी है, सबका ध्यान इधर, एकदम 100% सब लोग मेरे साथ। हम लोग ने एक चीज क्या देखा कि जो मोटा आदमी रहेगा उसको मैं धक्का मारूंगा तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन जो पतला आदमी रहेगा, अभी जो छोटा आदमी रहेगा उसको मैं धक्का, वही सेम फोर्स है, अगर मैंने धक्का मारा तो वो शायद ज्यादा दूर जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग ने कंपेयर किससे किया था? तुम्हारे प्रिज्म के डिविएशन के साथ हम लोग ने, वैसे हम लोग ने कंपेयर किया था। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने ऐसा कुछ कंसिडरेशन में लिया था, देखो सब लोग मेरे साथ, यस वायलेट एंड रेड लाइट, ये तुम्हारा प्रिज्म था, ओके, ये तुम्हारा प्रिज्म था, और इधर हम लोग ने ऐसा कुछ किया था कि इधर से तुम्हारा रे ऑफ लाइट जाएगा, ओके, इधर से जो भी है तुम्हारा रे ऑफ लाइट जाएगा, और इधर से तुम्हारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, मैं थोड़ा बाहर से बता रहा हूँ, तो ये जो तुम्हारे एक्चुअल पाथ से है, ये एक्चुअल पाथ हो जाएगा, और एक्चुअल पाथ से डिवाइड हो गए तुम्हारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विप गियर। सो लास्ट आता है तुम्हारा वॉयलेट, ओके। सबसे ज़्यादा डिवाइड जो होता है एक्चुअल पाथ से वो होता है तुम्हारा वॉयलेट, और जो सबसे कम डिवाइड होता है तुम्हारे एक्चुअल पाथ से वो होता है तुम्हारा रेड, और बाकी के सब कलर्स ये दोनों के बीच में रहते हैं, राइट। बिकॉज रेड 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 वाला है उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है, और वॉयलेट वाला है उसका वेवलेंथ कम रहता है, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ने डिफाइन किया था, राइट। सो इसका डिविएशन कम रहता है, इसका डिविएशन ज़्यादा रहता है। सो अभी इसके हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे डिस्पर्शन। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग ने कंपेरिजन किया इधर, मुझे क्या पता चला कि अगर लैम्बडा ज़्यादा है तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कितना वो चेंज इन पाथ कर रहा है, तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, फॉर एग्जाम्पल रेड। और ये वाले केस में ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर लैम्बडा कम है तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एक्चुअल पाथ से ज़्यादा टर्न ले लिया इसने, राइट। सो एक रिलेशनशिप तो ये दोनों से मुझे क्या पता चला कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर म्यू, राइट। सो और एक चीज़ हम लोग इसमें से क्या बोल सकते हैं, दैट म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड, एक चीज़ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स,
ध्यान से मेरी बातें सुनो. तो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. सो उसके हिसाब से वी हैव टू वर्कआउट. तो जो भी है तुम्हारा विबगियर तो सिक्वेंस बाहर निकलेगा ही, लेकिन ये भी हम लोग को कंसिडरेशन में लेना है. सो एज बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स हम लोग के वो अलग अलग एंगल्स मिलते हैं. सो आफ्टर द लाइट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म वी गेट योर सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. सो सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नथिंग बट अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट, सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक. तो आप इस यस 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 शुभम, वो भी शायद अपन देखेंगे, देखते हैं. सो ये होता है तुम्हारा डिस्पर्शन. सो और यहाँ हमें मिलता क्या है उधर अपना विबगियर स्पेक्ट्रम, राइट. सो इंडिगो आता है इधर, बराबर ना, इधर इंडिगो आता है, फिर इधर ब्लू आता है, ग्रीन आता है, इधर येलो आता है, इधर ऑरेंज आता है. तो तुम्हारा स्पेक्ट्रम पूरा ऐसा मिलता है, राइट. योर विश आर्यन, नॉट एन इश्यू, तेरी मर्जी. सो ये होता है क्या तुम्हारा डिस्पर्शन. सो ग्रुप्ड इनटू सेवन कलर्स, इनसे सेवन कलर्स आर नथिंग बट योर विबगियर. एंगल ऑफ डिविएशन का अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है, डेल्टा फॉर रेड. सो वो भी हम लोग इधर डिफाइन कर सकते हैं, इधर लिख सकता हूँ ऑल्सो डेल्टा फॉर रेड इज लेस देन डेल्टा फॉर वॉयलेट. बराबर, डेल्टा फॉर वॉयलेट तुम्हारा बड़ा रहता है, डेल्टा फॉर रेड तुम्हारा छोटा रहता है, डिविएशन छोटा रहता है. और हम लोग इसमें जो बीच का कलर जो हम लोग लेते हैं ना, सो वी ऑलवेज डिफाइन थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू येल्लो. हम लोग ग्रीन नहीं लेते हैं, हम लोग येल्लो के हिसाब से हम लोग मीन ये सबका मीन हम लोग येल्लो लेते हैं, येल्लो को हम लोग मीन लेते हैं. ठीक है, सो डिविएशन सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा वॉयलेट का, सबसे कम डिविएशन रेड का होता है. और इसमें अगर हम लोग बात करें म्यू का भी, सो म्यू फॉर रेड इज ऑल्सो लेस एंड म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर. यस यस विनीत, सो ऐसे करके वी कैन वर्कआउट. ओके, एंड ऑल्सो अगर वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करें तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्बडा. अगर हम लोग बात करें सो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट विल बी लेसर, अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो. ठीक है, वो उसके उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ रेड इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ योर वॉयलेट. म्यू फॉर रेड इज लेस देन म्यू फॉर योर वॉयलेट, बिकॉज येल्लो इज मोर ब्राइट. हम लोग येल्लो को हमेशा मीन लेते हैं, बिकॉज वो डिफरेंस है ना, वो स्पेक्ट्रम तुम लोग ने देखा रहेगा ना स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम में तुम्हारा वो वेवलेंथ हर एक का एक रेंज रहता है, तो स्पेक्ट्रम के हिसाब से येल्लो बीच में आता है, इसके लिए हम लोग येल्लो लेते हैं. किसने पूछा था क्वेश्चन, ऋतुजा, उल्टा लिखा है. म्यू फॉर रेड, नहीं नहीं बराबर लिखा, ठीक समझा. तो स्पेक्ट्रम के हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वो वेव्स में हम लोग देखते हैं कि तो स्पेक्ट्रम कैसा होता है. ओके, और लैम्बडा का अगर मैं बात करूँ तो लैम्बडा फॉर वॉयलेट इज लेस देन लैम्बडा फॉर रेड. रेड तुम्हारा मोटा रहता है और वॉयलेट तुम्हारा पतला रहता है. ओके, सो उसके हिसाब से हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं. सो एकदम सिंपल चीज़ था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन इसके हिसाब से मैंने एक प्रिज्म का फार्मूला दिया था. वो एक फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा, वो फार्मूला सिर्फ देख लो, उसके हिसाब से कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं वो तुम लोग समझ लो. ओके, सो हम लोग ने थिन प्रिज्म का एक फार्मूला किया था, वो फार्मूला था डेल्टा इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए म्यू माइनस वन, वे डेल्टा इज नथिंग बट योर डिविएशन, ए इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ प्रिज्म. ये तो मैंने सिखाया था ना, एंगल ऑफ प्रिज्म वगैरह क्या होता है, ये तो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सिखाया था तुम लोग को. एंगल ऑफ प्रिज्म डिफाइन किया था, बेस ऑफ प्रिज्म डिफाइन किया था, रिफ्रैक्टिंग एजेस डिफाइन किया था,
तो वो सब तो डिफाइन किया था. म्यू तो तुम्हारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, वन तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है. सो डेल्टा इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ डिविएशन, ए इज नथिंग बट योर दिस थिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इधर जो एंगल रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं. म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है. सो अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि अगर मैं बात करूँ कि एंगुलर डिस्पर्शन मुझे ढूंढना है, ओके. सो एंगुलर डिस्पर्शन, सिर्फ डिस्पर्शन नहीं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्पर्शन. सो वो कैसे मैं कर सकता हूँ? सो आई जस्ट फ्लिप दिस पेज और मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा. तो चलो इधर हम लोग लिख देते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन. तो इसमें क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम लोग लिखते हैं इसका, इसको डिफाइन करते हैं. सब लोग मेरे साथ ध्यान दो थोड़ा. द एंगुलर सेपरेशन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ओके. द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इन योर डिस्पर्स्ड बीम, इन द डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, ओके. क्या हो गया शिवराज? इन द डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्पर्शन. चलो समझने का कोशिश करो क्या होता है ये एंगुलर, ये एंगुलर डिस्पर्शन का अगर मैं बात कर रहा हूँ और दो एक्सट्रीम कलर्स में बोल रहा हूँ. सो व्हेन आई टॉक अबाउट टू एक्सट्रीम कलर्स, तो कौन सा टू एक्सट्रीम कलर्स हो गया? एक रेड हो गया और एक वॉयलेट हो गया, और वो लोग दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे ढूंढना है, राइट. और वो लोग दोनों के बीच का सेपरेशन इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्पर्शन. ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं है. दोनों के बीच का एंगल मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मुझे ढूंढना है. एक सेकंड ना, ठीक है. तो चलो एक काम करते हैं, हल्का सा बना देते हैं और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्शन. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा प्रिज्म है, ओके. सब लोग मेरे साथ, एकदम सिंपल लॉजिक है, ओके. एकदम सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं है ज्यादा. इधर देखो, इधर हमें क्या क्या कर रहा हूँ मैं, इधर इधर से तुम्हारा रे ऑफ लाइट आएगा, जो भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट आएगा जैसे जो भी उसके पाथ से डिविएट होगा, और दिस विल बी नथिंग बट इट्स एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ होगा ये तुम्हारा रेड, राइट. रेड जो सबसे कम डिविएट होता है, और ये तुम्हारा वॉयलेट जो सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, बराबर. यस. सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अगर मुझे डिफाइन करना हो. सो दिस इज डिविएशन फॉर रेड एंड दिस इज डिविएशन फॉर वॉयलेट. और मुझे इधर ढूंढना क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई हैव टू फाइंड इधर एंगुलर डिस्पर्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे क्या ढूंढना है? मुझे इसमें ढूंढना है एंगुलर डिस्पर्शन इज नथिंग बट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. बड़े में से छोटे को माइनस किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो मुझे ये मिल जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. ये होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्शन. बस ये मुझे ढूंढना है, और एकदम सिंपल है इसका लॉजिक, एकदम सिंपल. कुछ भी ज़्यादा एकदम हार्ड एंड फास्ट दिमाग चलाने का ज़रूरत, एकदम हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स लगाने का ज़रूरत नहीं है. डेल्टा का फॉर्मूला है ऑलरेडी पास, राइट. ऑलरेडी मेरे पास है ये डेल्टा का फॉर्मूला है, पुटअप कर दो, काम हो गया. ये डेल्टा का फॉर्मूला लगा दो एंड यू गुड टू गो. चलो तो ये डेल्टा का फॉर्मूला कैसे हम लोग लगाएंगे? ऑल ऑफ यू विथ मी समझने का कोशिश करो. तो सी इधर क्या हो जाएगा, इधर पुटअप करते हैं. डेल्टा वी माइनस डेल्टा मुझे करना है, सो एंगुलर डिस्पर्शन. सो डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वी शुड बी नथिंग बट इक्वल्स टू ए म्यू माइनस वन. फॉर्मूला क्या है? ए म्यू माइनस वन. एंगल ऑफ प्रिज्म तो बदलने नहीं वाला, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वो ए ही रहेगा. अच्छा, म्यू माइनस वन, म्यू वी, म्यू फॉर वॉयलेट अलग रहेगा, राइट. सिमिलरली रेड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा आर विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू ए म्यू आर माइनस वन, बराबर. ए तो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म तो नया नहीं आ रहा है, जो भी हो तो सेम ही है, बराबर. तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूं, तो दोनों को एक साथ लिखने के बाद मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा कॉमन आ रहा है. कॉमन क्या आ रहा है? ए. ए कॉमन ले लो, म्यू वी माइनस वन माइनस क्या आ जाएगा? म्यू आर माइनस वन. ब्रैकेट को ओपन करो, क्या मिल जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर
will be nothing but equals to a mu v minus 1 minus mu r plus 1, right? तो जो जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो, माइनस वन उड़ा प्लस वन उड़ा, सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मुझे क्या मिल गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज समथिंग बट ए म्यू वी माइनस म्यू आर। समझ में आया क्या? ए क्या मिला तुम्हें, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, डिग्री और रेडियन, ये दो में से एक ही तुम्हारा यूनिट होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्पर्शन, एंड योर एंगुलर डिस्पर्शन इट इज डिपेंडिंग ऑन योर एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो ये समझने का कोशिश करो, यस 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 शेयर जस्ट अ सेकेंड, ना एक ही सेकेंड ना स्टूडेंट्स, मैं इधर, हाँ चलो। सो एकदम सिंपल लॉजिक समझा ऋतुजा, अश्वथ अब समझा मतलब समझा, ये एकदम सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा, एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तुम्हें पकड़ के चलना है। देखो ए तुम्हारा कॉमन है, इसमें ज़्यादा कुछ, देखो मैंने इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ फिजिक्स भी नहीं किया, हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स भी नहीं किया, ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया था और कुछ भी नहीं। यस यस लिखो ना, ये बाकी है और आगे कर रहा हूँ। सो व्हाट इज सर, सो सर यू वी माइनस यू आर गिवन में दिया रहेगा ना वैल्यू, समझ रहे यश, वो तो डिपेंड करेगा ना दोस्त, तो और वो तो गिवन में दिया रहेगा तो उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तुझे कभी कभी ढूंढने बोलेंगे कि इसका वैल्यू दिया रहेगा और ये इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, फाइंड ए या फिर जो भी तुम लोग को बोला रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से करेंगे। हाँ ये आगे हम लोग प्रूफ ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये इतना तुम लोग को लॉजिक समझा, तो इसके हिसाब से आई कैन ऑल्सो फाइंड पावर, पावर भी मैं ढूंढ सकता हूँ इसके हिसाब से। चलो पावर बाद में करते हैं। सो इधर यूनिट लिख दो, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका यूनिट विल बी नथिंग बट योर डिग्री बोलो या फिर रेडियन बोलो, दोनों भी आ जाएगा, डिग्री और रेडियन, बराबर। सो इसके हिसाब से यू कैन वर्क आउट, रिफ्रैक्टिंग एंगल पे डिपेंड करता है, ए और म्यू पे डिपेंड करता है। लिख दो, तुम्हें लिखना है ना लिख दो, फिर मैं पावर आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे पावर करता हूँ, इससे पावर नहीं करता। समझ में ये डिस्पर्शन हुआ, अभी इसके हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे पावर, ठीक है, तो वो प्रिज्म का एबिलिटी हो जाएगा, ये सब करो कि भाई वो कितना ऐसा ढूंढ सकता है। कुछ कुछ ऐसे आते हैं कि कंपोनेंट्स आते हैं कॉलेज में, मैंने देखा था, तो ऐसा छोटू सा प्रिज्म रहता है, छोटा सा प्रिज्म, तो फिर उसमें नहीं पावर ऑफ लेंस नहीं, पावर ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर। अभी लेंस मैंने किधर पढ़ाना स्टार्ट ही किया अभी तक, तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, लेंस बाकी उनका। यस ऋतुजा इसके कब से वही मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ ना कि वो उस पर भी डिपेंड करना चाहिए। तो उधर ना वो मैंने किधर तो देखा था, छोटू सा प्रिज्म था, मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे देखा, किधर देखा याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे धुंधला याद है, छोटा सा प्रिज्म था और एक सेटअप जैसा दिया था कि जैसे रे ऑफ लाइट आ रहा है और प्रिज्म ऐसे बीच में हमें रख के एडजस्ट करने का, तो उसका वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आते ही नहीं थे हम लोग से, क्योंकि वो एकदम छोटा सा प्रिज्म वो लोग ने दिया था, तो एकदम प्रॉपरली डिफाइंड होके नहीं आते थे। लेकिन फिर बाद में बहुत मेहनत करने के बाद एक थोड़ा दूर रख के बहुत आगे पीछे कर करके एक प्रॉपर एक हम लोग को दिख जाता था कि हाँ भाई रेड और वॉयलेट दिख जाता था, बीच का पूरा खिचड़ी दिखता था वैसा। चलो कभी जूनियर कॉलेज तो मिठे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हुआ सबका, फटफट रिप्लाई करो सब लोग, हो ना डिस्टेंस मतलब स्क्रीन पे वैसे आर्यन। या कोमल हो गया सबका, और हम है भी, चलो वेरी गुड आयुष, सबका हुआ ना भाई, सब लोग रिप्लाई करो फटफट रिप्लाई करो, और एब्सेंट मत रहोगे सेशंस में, ठीक है, इधर ही पढ़ाई करके खत्म कर देने का। सी एकदम सिंपल मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन बताऊँ क्या, मैंने तुम लोगों को शायद बताया था नहीं बताया था याद नहीं है मुझे,
देखो देखो कैसा है, आई एम गुजराती, हाँ। सो हम लोग गुजराती में ना एक कहावत है कि रोजनू देव रोज चुपवी देव। उसका मतलब ये होता है कि आज का उधारी जो भी है वो आज ही खत्म करके घर जाने का। तो वो सेम अप्लाइज हियर एज वेल। जो भी ये सब हम लोग कर रहे हैं, कितना भी देखो, पूरे दिन में काफ़ी सारे सेशंस भी तुम्हारे होता है, टेस्ट वगैरह भी होता है, लेक्चर्स वगैरह भी होता है, अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूलिंग भी रहता है, मॉर्निंग लेक्चर्स, इवनिंग लेक्चर्स, आफ्टरनून सेशंस, नाइट सेशंस, सब कुछ होता है। लेकिन इन दी एंड तुम्हें एक चीज़ क्लियर रखनी है कि जब वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, ये इधर जो कर रहे हो वो इधर ही करने का। हाँ, नो इशू ऋतुजा, वो नॉट एन इशू, वो मैं बात कर लूँगा। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इधर का काम ना, कुछ कुछ चीज़ें कैसी रहती है कि यू फिनिश इट ऑफ ईयर ओनली, फिर उस टाइम पे देर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस। मतलब तुम लोग घर पे भी वैसे ही बैठो एज इफ यू आर सिटिंग इन द लेक्चर। क्लासरूम में कैसे हम लोग करते हैं, वेरी गुड अश्वथ, क्लासरूम में हम लोग कैसे बैठते हैं, तो वैसे ही बैठो ना, घर पे भी वो फील फैक्टर लाओ ना, वैसे ही बैठो। फर्क क्या है सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में, एक स्क्रीन का है ना, राइट? वो जो भी फर्क है तो वो एक स्क्रीन का फर्क है। बट इन दी एंड ये जो ऐसा, अगर तुम लोग टेक्निकली देखने जाओ तो दिस ऑल थिंग्स अगर लाइव क्लासरूम में करना थोड़ा टीडियस भी हो जाता है। इधर वी कैन इजीली प्ले द वे वी वांट टू प्ले, लेकिन कैसा है कि एक थोड़ा क्लियर रखने का एकदम। नहीं, मैं तो इधर ही हूँ, इंडिया में ही हूँ मैं, अरे। सो एक चीज़ क्लियर रखने का, ये देखो, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, आज का काम आज खत्म करो। वरना कैसा होता है, देखो क्या होता है पता क्या, ये मैंने भी फेस किया था इन माई स्टूडेंट लाइफ, सबने शायद फेस किया ही होगा। काम है ना, पाइल अप होते जाता है, नॉट गांठ कैसे बांधते हैं, तो गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के नॉट्स 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 नॉट्स, फिर इतनी सारी नॉट्स हो जाती है, फिर वो नॉट्स को ओपन करना ना वो डिफिकल्ट हो जाता है और हम फंस जाते हैं फिर। एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी सी यू गाइज लाइक दैट, कि वैसा क्यों क्यों वो करना है। और वो व्हेन योर टीचर इज सेइंग, मैं अगर मैं खुद ही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक सिचुएशन फेस किया ही था इन माय स्टूडेंट लाइफ, कि भाई फिर इतना सारा काम पेंडिंग हो जाता है, फिर दिन के 18 घंटे 16 घंटे बैठो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, वो फेज में ही क्यों जाना है, वो वैसी लात ही क्यों खानी है, राइट? राइट नाउ यू हैव एनर्जी, राइट नाउ यू हैव टाइम, राइट नाउ यू आर होम, राइट नाउ यू कैन डू एवरीथिंग, राइट नाउ यू कैन मैनेज योर शेड्यूल, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, यू कैन मैनेज योर शेड्यूल, बट इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर डूइंग इट। अगर कुछ है देन टॉक टू मी, टॉक टू अस, हूएवर यू आर कंफर्टेबल विद। तुम लोग किधर अटक रहे हो तो बात करो। अगर तुम लोगों को अभी आज एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ इन लाइव सेशन, ठीक है, और मुझे समझा कि नहीं वो फेस कर रहा है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा है, और वो होता है और वो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। वो थोड़ा बहुत, वो कभी कुछ बुरा रिजल्ट आ जाता है, या फिर कभी कुछ जो एक्सपेक्टेड चीज़ रहती है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि आपको मैं 5 चैप्टर ख़त्म करेगा। अरे पर नहीं पॉसिबल है, सिंपल लॉजिक है कि अगर तुम लोग 5 चैप्टर बोल रहे हो, उसमें से तुम्हारे 6 घंटे के लेक्चर्स है, तुझे 12 घंटा सोना है, 18 घंटे तो उधर ही हो गए, फिर ना खाना पीना, नहाना धोना, चैट करना, फेसबुक पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना, नीचे क्रिकेट खेलने जाना, घूमना फिरना, दोस्त का बर्थडे पे जाना, ये सब कौन करेगा, और वो सब तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे देता है। तो कैसा कैसा रहता है दैट सम थिंग्स ना, 24 घंटा है, 24 घंटे में 24 घंटा है, नहीं, मैंने इंजीनियरिंग एमटेक ही किया है मैंने, 24 घंटा है, फिलोसफी में 24 आवर्स है, वो 24 आवर्स सबके पास वो एक ही है, तो 24 घंटा तुम लोग कैसे डिवाइड करते हो। तो ऐसा थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करने का, सी वे बात छेड़ ही दी है तो थोड़ा बात कर ही लेता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सी एकदम सिंपल लॉजिक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एकदम सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। देखो यू हैव 24 आवर्स, ठीक है, ये 24 घंटे का तुम्हारा लूप है, एकदम सिंपल लॉजिक। मैनी ऑफ यू, सब लोग बोलते हैं ना कि सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, कंप्लेंट्स होते हैं। तो देखो अगर अगर एकदम सिंपल लॉजिकल अपन बात करें ना, तो हम लोग पूरे 24 घंटे में क्या करते हैं, एट दिस एज एट दिस लाइफ आई थिंक 6 आवर्स स्लीप इज इनफ, बराबर, योर 1 आवर फॉर योर डेली चोर्स, बराबर, ये तुम लोग 1 आवर तुम लोग डेडिकेट कर लो, 1 घंटा डेली चोर्स, खाना पीना, नहाना धोना, वो सब हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा
इसके बाद तुम्हारे 6 आवर्स लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे लेक्चर्स हो गए, 6 आवर्स के तुम्हारे लेक्चर्स हो गए, कितना हुआ, 6 6 + 6 = 12, 13 आवर्स हो गए, राइट। 6 आवर्स के लेक्चर्स हो, आई गेस इतने होते भी नहीं है, कभी कभार हुए तो हुए। कितने घंटे के लेक्चर्स होते, 4 घंटे, 4.5 आवर्स, वही तो इतना 6 आवर्स क्यों ले रहे हैं, चलो 5 घंटा लेता है, 5 आवर्स लेक्चर्स हो गए, तो कितना हुआ, 6 6 + 6 + 6 = 12 आवर्स, स्टिल यू आर लेफ्ट विद 12 आवर्स, इसमें तुम्हारा सोना हो गया, नहाना धोना हो गया, स्टिल यू आर लेफ्ट विद 12 आवर्स। अभी ये 12 घंटे का तुम्हारे पास हिसाब है क्या? चलो अब अगर ये भी 12 घंटा अगर मैं डिवाइड करके दूँ तुम्हें, तो देखो ये 12 घंटे में तुम लोग क्या क्या करते हो, ठीक है ना, वो आगे पीछे है, मैथ्स के दिन पे तुम्हारा लेक्चर नहीं होता रहेगा ना साहिल, तो सी 12 आवर्स हो गए। चलो एक काम करो, 2 आवर्स तुम लोग ले लो लीजर, 2 आवर्स तुम लोग लीजर ले लो, लीजर खेलो बस, कितना हुआ, 14 आवर्स। चलो 1 आवर ले लो तुम लोग मिसेलेनियस, भाई इधर उधर ज़्यादा टाइम लग गया, सो गया, इधर उधर टाइम पास हो गया, नीचे गया, दोस्त वोस्त मिल गया, दोस्त मिल गई, खुद पर टाइम पास कर दिया, राइट। कितना हुआ टोटल, 6 + 6 = 12, 12 13 14 15 आवर्स, 15 आवर्स हो गए। देन टू यू आर लेफ्ट विथ 9 आवर्स। अभी ये 9 घंटे का तुम्हारे पास हिसाब है क्या? वही तो लोहित, ये 9 घंटे का हिसाब है क्या? देखो मैंने इसमें लीजर भी कवर किया है भाई देवे, ये 9 आवर्स का हिसाब है क्या? वही तो रुतुजा, दैट्स द थिंग। अभी तुम्हारा टास्क क्या है पता है क्या, ये 9 घंटे मैनेज करना, एंड दैट इज योर मेजर टास्क, ये 9 घंटे मैनेज करो। ये 9 घंटे जैसे मैनेज कर लिए ना, अब ये 9 घंटे में तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, तुम्हारा डाट हो जाएगा, बराबर, तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा, प्लस तुम्हारा सेल्फ स्टडी हो जाएगा। परफेक्ट कोमल, मैं भी नेक्स्ट यही बोलने वाला था जो तूने भी बोला, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा मैथ स्लैश बायो, बराबर आर्यन, 3 3 3 घंटा भी अगर तुम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो तुम लोग इमेजिन करो, इमेजिन करो, नहीं वो अलग, वो अभी वो नाम अलग अलग हो गया ना शिवराज और कुछ भी नहीं, यू यू गाइस जस्ट इमेजिन, अगर ये 9 9 घंटे अगर तुम लोग ने मैनेज कर लिए, ये यही साल की बात है ना टेक्निकली, तो फेब्रुआरी तो आधा हो गया, फेब्रुआरी राइट, दिस मार्च टू नेक्स्ट मार्च, ओके। हाँ अश्वत, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 घंटा लीजर का भी मैंने दिया है, दिस मार्च टू नेक्स्ट मार्च यही तुम्हारा है टाइम, अभी तो मार्च भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ नवम्बर तक का ही टाइम लो तुम लोग, राइट, वही नवम्बर ले लो, फेब टू नवम्बर, अगर फेब टू नवम्बर तुम लोग ने अगर इतना मैनेज कर लिया तो तुम लोग इमेजिन करो, इमेजिन करो कितना कुछ किधर के किधर तुम लोग पहुंच जाओगे भाई, जितने बैच जितने लोग ये बैच में बैठे सबके सब रैंक वन आना चाहिए, सबका सबका रैंक वन आना चाहिए। मैं तुम लोग समझ रहे हो क्या मैं क्या 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 बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक एक सेकंड का हिसाब है क्या? अरे वो तू मैनेज करना साहिल, तू समझ रहा है, मैं सिर्फ इधर बता रहा हूँ, एक जनरलाइज्ड में तो बता रहा हूँ ना साहिल, तो ये तुम लोग एक चीज समझो कि ये जो ये साल है ना, ये साल अगर संभाला ना, ये साल होता है आयुष, हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में कितने सारों को ये सब शेड्यूलिंग अलग अलग मैं बताता हूँ, उसमें से 20 30% करते हैं, 70% नहीं करते, फिर वो 70% में से वापस कुछ लोग आते हैं, वापस कुछ नया शेड्यूलिंग बनाते हैं, कुछ वापस हम मुझसे बात करते हैं, और वापस उसमें से वापस 30 40% और करते हैं, और उसमें से ऐसे ऐसे कर करके तुम लोग एक दिन पहले भी आओगे ना जेईई के, तो भी मैं तो बोलूंगा कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, रैंक वन लाने, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट गेटिंग इट, वो होना ही चाहिए और वो होगा ही, क्यों नहीं होगा? अगर तुम लोग का डेस्टिनेशन क्लियर है, सी ऑलवेज आई टेल यू वन थिंग, इफ यू गाइज आर हियर ना, अगर तुम लोग ने साइंस लिया ना सबसे पहले, ओके आर्यन नॉट एन इशू, सुनो सुनो, अगर तुम लोग ने साइंस लिया है ना सबसे पहले, सो आई ऑलवेज टेल, इफ यू आर हियर, इफ यू हैव टेकन साइंस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स, यू गाइज आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड, कुछ नया देने के लिए हम आए हैं, एंड इफ यू आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड, तो वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के यहाँ पे टाइम पास करके नहीं होगा,
उतना तो तुम लोग समझ जाओ, वो चेंज द वर्ल्ड ये बहुत बड़ा चीज होता है, कुछ नया देना ये बहुत बड़ा चीज होता है, और वो हम कर रहे हैं। और ये सब पढ़ाई, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब टाइम पास नहीं, ये तुम्हारा इधर वो बढ़ाता है, वो समझ रहे हो तुम लोग, हम लोग ये सारी चीजें जो करते हैं वो आगे लेके जाएगा तुम्हें। बट आई जेन्यूनली वॉन्ट के वो तुम लोग वो फील करो, वो हार्डवर्क तुम लोग फील करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू फील इट। सी देर इज नथिंग लाइक लक। बहुत लोग आते बोलते उसको नसीब अच्छा था, ये अच्छा था, नो वे, देर इज नथिंग लाइक, एवरीथिंग इज हार्डवर्क। तू मेहनत करना, क्यों नहीं होगा, आई एम नॉट गेटिंग इट। तुम खुद अपना नसीब बनाओ, ये 1 साल संभाला ना, ये 1 साल संभाला ना, सुनो ध्यान से, तुम्हारा आने वाला 50 साल बदल जाएगा। ये 1 साल से आने वाला 50 साल बदलता है, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आजू बाजू वाले सबका 50 साल बदलता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। करना क्या, 1 साल मेहनत करना है, फिर जाओ ना इंजीनियरिंग, IIT, NIT, IIIT, जिधर जाना है, बड़े कौन से भी बड़े कॉलेज में जाओ, किधर भी जाओ, एक बार वो नाम का टैग आ गया ना, फिर मज़े ही है यार। उधर फिर खुद के मर्जी के मालिक रहता है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरे और तुम्हारे बीच में जनरेशन गैप तो है नहीं, एज गैप है, इतना जनरेशन गैप तो नहीं है, राइट? इतना मैं बड़ा तो नहीं हूँ तुम्हारे, तू तुमसे भी एज में, हाँ बड़ा बहुत हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ जनरेशन गैप हो जाए। सो वॉट आई एम टॉकिंग इज वेरी 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 सिंपल। तुम्हें लाइव रहना है जिंदगी में और कुछ भी नहीं, कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें एवरी मोमेंट पे क्वेश्चन करना चाहिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ या ये मैं जो भी कर रही हूँ वो नेसेसरी है क्या, ये मेरे काम में, वो मेरा जो डेस्टिनेशन है चेंज द वर्ल्ड वो उधर काम में आएगा क्या, तुम्हारा जो भी XYZ टारगेट है उसमें काम में आएगा क्या। मैं अगर इसकी शादी में नहीं जाऊँगा या मैं इसकी शादी में नहीं जाऊँगी तो वो शादी नहीं करेगा क्या, मैं इसके बर्थडे में नहीं जाऊँगा तो वो क्या पार्टी नहीं करेगा क्या, करेगा ही, किसी के लिए कुछ नहीं रुकता है। हाँ लेकिन तुम गए, तुम्हारा जो बिगड़ा है वो वापस नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यू हैव टू स्टे लाइफ, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। डू यू गाइस एग्री विद मी? हाँ बस, तो 1 हफ्ता करो, 1 हफ्ता ना मोमेंटम में आ जाओ, फिर न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन इज रियल। 1 हफ्ता मोमेंटम में आ जाओ, एकदम कड़क वाला मोमेंटम। मुझे ना तुम्हारे रिजल्ट में फर्क दिखना चाहिए। तुम जो डैट वगैरह सब देते हो ना, व्हाट व्हाट आई वांट टू डू इज के मुझे रिजल्ट है ना, रिजल्ट, वो रिजल्ट, इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर 100 मार्क का पेपर है, एग्जांपल अगर 100 में से तुम्हें 60 मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से अगर तुम्हें 60 मार्क्स आ रहे हैं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सो आई वॉन्ट इम्प्रूवमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा तू 100 में से 100 लेके आ, मैं बोल रहा हूँ 60 से 70 तक तो पहुँच पहले, 75 तक तो पहुँचो पहले। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो इम्प्रूवमेंट तो करना स्टार्ट करो एटलीस्ट। अगर लास्ट जो भी तुम्हारा XYZ टेस्ट हुआ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा ऑप्टिक्स का आज आज है कि कल है, कभी है, कौन सा था, वर्क पावर एनर्जी, तो अगर तुम्हारा जो टेस्ट हुआ है, ठीक है सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा जो टेस्ट हुआ है तो अगर ये टेस्ट में तुम्हें यू स्कोर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 55, तो तुम्हें पता चला रहेगा रोटेशनल था क्या, ओके रोटेशनल था, यू स्कोर 55, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 में से, ठीक है, तो तुम्हें पता, खुद को मालूम ही रहता है कि मैंने क्या किया था, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि मैंने इतना 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 किया था। फिर तुम लोग किसी से बात करोगे, किसी टीचर से बात करोगे, किसी स्टूडेंट से बात करोगे, किसी स्टाफ से बात करोगे, और तुम्हें खुद को भी पता चलेगा कि नहीं यार ये इतना थोड़ा हल्का सा और मेहनत करता आज मैं आगे निकल जाता। तो फिर वो नेक्स्ट टेस्ट में वो सेम चीज़ रिपीट क्यों करते हो? नेक्स्ट टेस्ट में अगर हमें पता ही है कि मुझे ये करना है, मुझे पता ही है कि मुझे करना है, तो निकल ही जाने का ना, कर कर ही देने का। फिर वही होता है ना अथर्व, प्रोक्रेस्टिनेट हम लोग करते ही रहते हैं फिर, एंड वो चोरी तुम्हारे समय का करते ही जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस है वो। और अभी भी मैं तुम्हें बताऊँ, अभी भी ये स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये मेरी बातों का असर मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक रहेगा। यही डिफरेंस है अथर्व, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, यही फर्क है। ये जो मेरी बातों का असर ना 1 हफ्ते तक सब पे रहेगा, मैं तो बोल रहा हूँ सब पे रहेगा, लेकिन बट वॉट आफ्टर 1 वीक? छोड़ना है, मन सर बोलते तो रहते हैं छोड़ना, अरे देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। अब
अपना दिमाग ना अपने आप को कन्विंस करने को स्टार्ट करता है, अरे हो जाएगा, देख लेंगे, अरे क्यों देख लेंगे, नहीं होता है वो, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, सोच लेंगे, आने तो दे, टाइम है एग्जाम को, ये सारे चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें वो दिमाग, वो ये यही सब क्वेश्चंस, यही सब आंसर्स जो तुम लोग खुद को कन्विंस करते हो ना, बिकॉज ऑफ विच सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, जो जैन तू जो बोल रहे है ना, उसी पे मैं आ रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, मैं जो बोल रहा हूँ, आई आई एम गाइडिंग यू राइट, ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और तुम लोग मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन कब तक? अमन सर का जरूरत, गौरव सर का जरूरत, एक्स वाई जेड किसी भी स्टाफ का जरूरत, कब तक? कब तक? यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड, यू नीड टू बी एन इंडिविजुअल। तुम लोग सुन रहे हो क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन, मैं कब तक धक्का मारेगा तुझे, कब तक मैं धक्का मारूंगा, कब तक गौरव सर धक्का मार, कब तक वो होगा, कब तक आतिश सर तक, वैसा नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस इज गेट इंस्पायर्ड। यार रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए यार, वो सिर्फ सोच के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, मेरे को ये करना है बस। तो वैसा है वो इंस्पिरेशन होना चाहिए। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन आजू बाजू का चीज क्या है, सोशल मीडिया क्या है, ये वो मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को बोलने का जरूरत पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स सामने जाके मुझे बोलने चाहिए, तो फोन भी टच नहीं करता, फोन टच नहीं करना, लेक्चर बैठता है, लेकिन सामने से तुम्हारे पेरेंट्स आके कंप्लेन करने चाहिए, अरे पूरा टाइम क्या पढ़ाई करता रहता है, पूरा टाइम क्या इसमें घुसा रहता है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये साल, मैं पूरा साल भी नहीं बोल रहा हूँ, नवंबर तक बोल रहा हूँ मैं। तो वही है, थोड़ा मेहनत करो, ये साल निकाल लो, ट्रस्ट मी गाइस, 50 साल बदलते हैं, ट्रस्ट मी। और सब कुछ होता है, सब कुछ सामने से आता है, सब कुछ सामने से आता है, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग, हर एक चीज का टाइम होता है। अभी का टाइम क्या है, मुझे ये करना है, अभी का टाइम क्या है, व्हाट इज नेसेसरी राइट नाउ, डू दैट, दैट्स इट। ठीक है, ये सुनो सुनो, डिस्पर्सिव पावर खत्म करता है। यस, वो तो है, अभी तो वो तो है राजीव, वो तो है, कुछ नहीं अभी करो आयुष, नॉट एन इशू। चलो चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टॉक टू साफ ना आर्यन, नॉट एन इशू विद इट, ओके शिवराज, कोई क्वेश्चन, चलो चलो बात करते हैं, एक अपन खत्म कर देते हैं डिस्पर्सिव पावर, अपने पास है 10 मिनट, तो अपन डिस्पर्सिव पावर फटाक से खत्म कर देते हैं। सर जस्ट गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डिस्पर्सिव पावर, और पढ़ लेते हैं क्या है डिस्पर्सिव पावर। अरे नहीं नहीं ओम, ये तो सी अपने अपने स्टूडेंट्स हैं, तुम सब अपने ही हो राइट, सो अरे आगे बढ़ो जिंदगी में, और क्या, दैट विल देन आई विल बी सक्सेसफुल, देन वी ऑल टीचर्स विल बी सक्सेसफुल राइट। तुम लोग आज से, अभी तुम लोग जेई नीट में सिर्फ स्कोर करके तुम लोग निकल जाओगे इंजीनियरिंग में, लेकिन फॉर अ टीचर द सक्सेस इज तुम्हारा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, व्हेन यू फील दैट यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, दैट टाइम योर टीचर इज सक्सेसफुल। हम लोग को तो वेट करना है, तब तक तुम्हारा सक्सेस जानने के लिए हम लोग को और 4 साल वेट करना है, वही होता है ना, वैसा है। चलो एक अपन फटक से अपन लिख देते हैं, डिस्पर्सिव पावर पढ़ देते हैं, इधर हम लिखते हैं द रेशियो, सर व्हाट इज द सिंबल, ओमेगा, सिंबल इज ओमेगा, सो द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, फटक से 2 मिनट, अभी 5 मिनट ध्यान दे दो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट टाइम अपन ना क्वेश्चंस कर सकते हैं, और तुम लोग ना सब लोग एक सेफर एंड पे मेरा लास्ट सेशन का, जिसका ऐसा मिस हुआ है, सिर्फ वीडियो एक बार देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो आई एम देयर फॉर यू। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया था, प्रिज्म पूरा मैंने खत्म किया था, सो कैसे प्रूफ के जैसे क्या क्या लेके आया वो सब एक बार देख लेना। सो द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम कलर्स टू द डिविएशन, एक सेकेंड ना, हाँ हाँ कोमल, देखना अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, तुरंत वन शॉट समझ में आएगा, एकदम सिंपल लॉजिक है। जो हम लोग ने ये किया ना एंगुलर डिस्पर्शन, बस उसका मीन निकाल देंगे हम लोग, देखो मैं बताता हूँ। सो एक्सट्रीम कलर्स टू द डिविएशन
डिविएशन ऑफ मीन कलर, ओके, इज नथिंग बट अ डिस्पर्सिव पावर। चलो समझने का कोशिश करो, अगर इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ ये स्टेटमेंट के हिसाब से, ओमेगा शुड बी नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया, क्या है तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो चलो इधर लिखते हैं, ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर द होल अपॉन डिवाइडेड बाई मीन कलर। मैंने तुम्हें आज ही स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ही मैंने बताया कि तुम्हारा मीन कलर क्या होना चाहिए, डेल्टा येल्लो, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट स्पेक्ट्रम येल्लो तुम्हारा मीन होना चाहिए, बस हो गया, इजी सिंपल एकदम, यही तो है। अभी इसका वेरिएशन तुम्हें अभी प्ले द वे यू वांट टू प्ले नाउ। अभी देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को अगर तुम लोग को लिखना है तो इधर तुम्हारे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का फॉर्मूला है, क्या है, ए म्यू वी माइनस म्यू आर, तो इधर लिख देते हैं वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो चलो लेट्स सेक फॉर एग्जांपल, इधर हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी माइनस ए, इसको मैं ऐसे भी वेरिएशन एक लिख सकता हूँ, इसको ओमेगा शुड ऑल्सो भी इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की जगह पे ए म्यू वी माइनस म्यू आर, बराबर, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। येल्लो इज येल्लो विद रिस्पेक्ट टू, नहीं वो डिविएशन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ओके, हाँ कोमल वो हमेशा वही आएगा। और देखो डेल्टा येल्लो के जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना डेल्टा का फॉर्मूला ए म्यू माइनस वन, राइट, तो वो भी अपन लिख देते हैं ए म्यू माइनस वन। सो इधर और एक आ जाएगा ए म्यू येल्लो माइनस वन, ऐसे करके आ जाएगा ए ए कट, तुम्हें और एक फॉर्मूला मिल गया ओमेगा का म्यू वी माइनस म्यू आर द होल अपॉन म्यू वाई माइनस वन, तो और एक फॉर्मूला मिलेगा, एकदम सिंपल लॉजिक। देखो ये इसको याद रखने का भी जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो, तुम लोग ऑन द स्पॉट जब भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग ऑन द स्पॉट भी तुम लोग ये तो निकाल सकते हो ना, बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन एंड योर गिवन वैल्यू यू कैन वर्क आउट, बराबर ना। अभी देखो अगर तुम लोग येल्लो को हम लोग मीन बोल रहे हैं, हाँ हाँ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मतलब उसका जो भी वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा बेस्ड ऑन योर प्रिज्म। हाँ मैं बता रहा हूँ साहिल, देखो तुम लोग इसमें और भी तुम लोग म्यू वाई को हम लोग ने क्या बोला है, म्यू वाई को मीन बोला है, बराबर। सो म्यू वाई को मैं मीन मतलब क्या होता है, वो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टू हम लोग करते हैं, या फिर फाइनल फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो भी मुझे सेंटर पार्ट मिल जाएगा, बराबर ना। अगर मैं बोलूँ फाइव प्लस फाइव डिवाइड बाय टू तो दिस नथिंग बट फाइव, तो मतलब सेंटर पार्ट मुझे मिलेगा, बराबर। सो इधर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं येल्लो को ऐसे अलग तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ये येल्लो को, येल्लो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू वी प्लस म्यू आर द होल डिवाइडेड बाई टू, बिकॉज मुझे क्या करना है, मीन निकालना है, यस। तो ऐसे में मैं लिख सकता हूँ, अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो क्या मिल जाएगा, इधर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन इधर क्या आ जाएगा म्यू वी प्लस म्यू आर द होल अपॉन टू माइनस वन, तो और एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, सही है ना, ये और एक चीज़ तुम्हें मिल गया, ऐसे भी तुम लोग वर्कआउट कर सकते हो, बराबर। सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर तुम लोग को डेल्टा के हिसाब से ढूंढना है तो डेल्टा के हिसाब से ढूंढ लो, फर्क क्या है, सो मीन कलर, नो नो, मीन इज मीन, मीन का मतलब होता है येल्लो, हम लोग मीन मतलब पूरे स्पेक्ट्रम विबगियर स्पेक्ट्रम का बीच का पार्ट लेता है, वो है यश, समझा तुझे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ, निकालते वक्त माइनस ये वाला है बेटा, ठीक है, सो वाला मुझे कंसिडर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से, हाँ तो उसके हिसाब से अगर हम लोग वर्कआउट करें तो भी ये डेल्टा के हिसाब से भी तो मैं लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से भी लिख देते हैं, तो डेल्टा के हिसाब से कैसे ये हो जाएगा, तो चलो इधर ये नया एक स्टार्ट करते हैं, तो इधर डेल्टा के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। सो ओमेगा को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा येल्लो को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर डेल्टा येल्लो को मीन, बराबर, सो डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड डिवाइड बाई टू, नहीं नहीं मीन ये येल्लो को सिर्फ मैंने लिया है बेटा, साहिल समझा, होल स्पेक्ट्रम यश, होल स्पेक्ट्रम, ये समझा क्या साहिल को मैं क्या बोल रहा था, डेल्टा येल्लो को ही मैंने सिर्फ किया है, यस यस ओके। सो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर द होल अपॉन टू, तो टू को ऊपर लेके जाओ तो ओमेगा का और एक फॉर्मूला मिल गया, है ना, सो टू इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर द होल अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, तो और एक चीज़ तुम्हारा हो गया, समझ में आया, सो दिस इज नथिंग बट योर एंटायर डिस्पर्सिव पावर,
प्ले द वे यू वॉन्ट टू प्ले, वर्कआउट द वे यू वॉन्ट टू वर्कआउट, ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, राइट? ये सारे तुम्हारे फार्मूला हो गए, जिधर जैसे तुम्हें चाहिए वैसे तुम लोग, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट इन दी एंड, जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुम लोग काम करते जाओ. ओके, कूल. दिस इज नथिंग बट एंटायर डिस्पर्सिव पावर. देख लो समझ में आया तुम्हें क्या चल रहा था इधर जिंदगी में, समझा? इजी. देखो दो ही कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए, जिसका इसका मेरा लास्ट लेक्चर प्रिज्म वाला लेक्चर मिस हुआ है वो एक बार वीडियो भी देख लो सेफर एंड के लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम थोड़े बहुत डिस्पर्सिव पावर के थोड़े एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि यार बेसिक लेवल पे भी कैसे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे. हाँ, किया ना डिराइव विनीत, ये सब क्या किया, तो वैसे भी हम लोग देख लेंगे एक बार, कुछ डाउट है तो वो भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा. यस, वैल्यूज विल बी गिवन, ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे. हाँ, मतलब देखना, तुझे अगर सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ इतना डेफिनेशन भी याद है तुझे तो तुम्हारा काम हो गया ना, तुम्हारा काम ईजी हो गया, डेफिनेशन भी याद है तो फिर तो तुम्हें खुद का लॉजिक, डेल्टा वी को सब्स्टिट्यूट करो, इसको इधर उधर सब्स्टिट्यूट करो, वो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से करो, नॉट एन इश्यू, राइट? देख लो, ये तो क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया था पहले, गलती से दे दिया, ये हम लोग ने इधर से स्टार्ट किया, ठीक है? एंगुलर डिस्पर्शन, ये चाहिए क्या? नहीं नहीं चैलेंज नहीं है, एक हफ्ता थोड़ा मोमेंटम में आओगे ना ऋतुजा तो तुम लोग करोगे, आई ट्रस्ट यू गाइस, तोड़ना मत बर. ठीक है, पीछे करो, ये वाला चाहिए, किसके आगे वाला, थोड़ा मेहनत करो, कुछ भी नहीं है, करोगे करोगे, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है? विल एंड द सेशन हियर टुडे, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अगले बार मिलते हैं. हाँ चलो, एक बार सिर्फ साफ से बात कर लो, ठीक है? चलो, सी यू, मिलते हैं, या बाय 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 बाय.